गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इज योर साइंस टीचर सुनैना एंड वी आर डूइंग चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज द फिफ्थ वीडियो बच्चे फिफ्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द माउंटेन रीजन अडप्टन नाउ वी डिस्कस अबाउट द देशन फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अडेप्टन फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मीन्स आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं उनको क्या अडेप्टशन करनी पड़ती हैं ताकि वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सर्वाइव कर पाए ठीक है तो फर्स्ट वन इज द बार्क ऑफ द ट्रीज इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर स्मूद एंड थिन जो बार्क ऑफ ट्रीज होती है मतलब जो पेड़ के ऊपर की ब्राउन लेयर होती है ना जैसा सब पेड़ की छाल बोलते हो उसके बारे में बात कर रहा है दैट इज स्मूद एंड थिन टू मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन इन हॉट वेदर किसके लिए थिन होती है ये ताकि वाटर लॉस को क्या किया जा सके uh, मिनिमाइज किया जा सके इवेपोरेशन को कम किया जा सके हॉट वेदर के अंदर द लेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट आर कनेक्टेड बाय वाइन्स एंड फर्न्स एंड मॉल्स फ्रॉम ग्रोन ऑन द ट्री लेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट आर कनेक्टेड लाइना इज अ क्लाइंबिंग वाइन दैट ग्रोज ऑन रेन फॉरेस्ट ट्रीज लाइमा क्या है आपका क्लाइंबिंग वाइन है जो ग्रो करता है कहाँ पे रेन फॉरेस्ट में ग्रो करेगा आपका क्लाइंबिंग इन टू सो दैट इट लीज गेट्स मोर सन लाइट भाई क्यों करेगा ये ग्रो वहाँ पे दूसरे के साथ में क्या होता है क्लाइंब कर जाता है मान लो कोई सपोर्ट है ना तो उसके चारों तरफ क्लाइम करना शुरू कर देगा किस लिए ताकि भाई वो ज़्यादा ऊपर जा सके अब वो ज़्यादा ऊपर जाना क्यों जाता है ताकि उसको सन लाइट मिल सके ठीक है ऐसे देखो अब देख सकते हो यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिखाई गई है कौन शेप ट्री स्लाइड अवे द स्नो इस टाइप के होते हैं ताकि जब इसके ऊपर बर्फ गिरे तो वो बर्फ जो स्नो गिरती है बच्चे वो नीचे की तरफ गिर जाए है ना पतले होंगे इसी वजह से होते हैं ये वाइन ट्रीज और लाइना जो प्लांट है वो कैसा होता है क्लाइंबिंग होता है क्लाइंबिंग होता है क्यों क्लाइंबिंग होता है उसको धूप चाहिए होती है बच्चे तो वो दूसरे पेड़ के सहारे ऊपर चला जाएगा ताकि उसको धूप मिल सके द लीव्स ऑफ रेन फॉरेस्ट ट्रीज हैडॉप्टेड टू कोप विद द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो लीव्स ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज होती हैं अडोप्ट कर लेती हैं कॉप को क्यों क्योंकि वहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा बारिश होती है द लीव्स आर बिग अब क्या अडोट किया उन्होंने कॉप टू कॉप का मीन है बच्चे साइज में बड़ी बड़ी हो जाना जैसे केले के, के पत्ते होते हैं ना केरला में केले के पत्ते होते हैं बारिश ज्यादा होती है दी लीव आर बिग थिक एंड एंड वैक्सी हैव ड्रिप ट्रिप्स टू लेट द रेन ड्रेन ऑफ क्विकली किस लिए होती है बड़ी बड़ी थिक और वैक्सी ताकि बारिश गिरे जल्दी से नीचे गिर जाए फिर वो बारिश उनके पत्तों उन लीव्स के ऊपर ना चिपकी रहे बारिश हाउ मैनी लार्ज ट्रीज हैव है कॉल्ड बटरेस नीयर द बेस उनका जो बेस होता है ना वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ही होते हैं रिजिस होते हैं मीन्स दे मे बी टेन ट्वेल्व मीटर हाई दस से बारह मीटर ऊँचे होंगे ऐसे पेड़ दे इनक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ ट्री जो ये बटरेस रिजिज होते हैं रिजिस होते हैं बच्चे उसके जो एरिया होता है ना स्टेम होता है तना होता है उसको बड़ा कर देता है वो ट्री सो देट इट कैन ब्रीद इन मोर कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट मोर ऑक्सीजन तो उसमें क्या होगा भाई ये रेजिज क्या होते हैं सरफेस एरिया तो बढ़ा देते हैं ठीक है ठीके? लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा सरफेस एरिया ज़्यादा होने से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले पाएंगे ऐसे प्लांट्स और ज़्यादा ऑक्सीजन दे सकते हैं न्यूट्रिएंट इन दॉयल्स आर नियर द सर्फेस जो न्यूट्रियट होते हैं वो ज़्यादा डीप नहीं होते हैं ऐसे फॉरेस्ट में वो हमेशा क्या होते हैं सरफेस ऑफ सॉयल के पास में ही होते हैं द बिग रेन फॉरेस्ट ट्रीज आर क्वाइट शेलो बहुत शेलो uh, होते हैं मतलब भाई पेड़ हैं बिमें ऐसे ऐसे तो आपको क्या होगा शैलो ही होगा द बटर रेस स्पॉट्स द ट्री बटरेसिस क्या करते हैं ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं सो ट्रीज हैव अबव ग्राउंड रूट्स कार्ड प्रॉप एंड स्टिल ट्रूट्स कुछ ट्रीज की जो रूट्स होती हैं बच्चे वो आपको जमीन के ऊपर दिखाई देंगे इसे कहते हैं ना जितना पुराना पेड़ होता है उसकी रूट्स ना आपकी मेनली क्या होती है बाहर आ जाती हैं किस लिए आ जाती हैं वो ताकि प्लांट को सपोर्ट मिल सके ट्री को जैसे आप पुराने बरगद का पेड़ देखेंगे कभी अपने गांव में कहीं देखा होगा आपने तो उसके आसपास क्या होता है उसकी रूट्स ना बाहर आपको ज्यादा दिखती हैं एनिमल्स के अडप्टेसन करते हैं पैरट एंड टोकन्स ई नट्स एंड दे आर डेवलप्ड बिग स्ट्रोंग बीक हेल्प टू क्रैक ओपन द टफ शेल्स ऑफ ब्राजील नट्स जो पैरट या टोकन्स होते हैं ये एनिमल्स हैं बच्चे ठीक है ये क्या करते हैं इनकी जो बीक होती है ना जो चोच होती है वो बहुत स्ट्रोंग होती है किस लिए क्योंकि ऐसे पेड़ ऐसी जो जंग होती है ना वह ब्राज़ील नट मिलती है अब वो नट को खाएंगे कैसे उन्हें अपनी चोट से उसको क्या करना पड़ेगा क्रैक करना पड़ेगा तो इसीलिए क्या होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी लीफ कटर आंट क्लिम टॉल ट्रीज एंड कट स्मॉल पीसीज ऑफ लीव्स विच दे कैरी बैक टू देअर नेक्स्ट लीफ कटर आंट्स बच्चे देखो ये पिक्चर में भी दिखाया हुआ है आपको दिस इज दीव कटर आंट ये पेड़ों पे चढ़ जाती हैं और लीवस को काट लेती है स्मॉल पीसेस भी hmm. फिर क्या होगा वो उसको अपने साथ लेके जाएंगी ताकि वो अपने घर में उसको स्टोर करके रखें आपको पता है ना आंट्स अपना खाना जो है वो स्टोर कर लेती हैं सर्दियों के लिए नेक्स्ट वन इज मैनी रेन फॉरेस्ट एनिमल्स यूज कैमो फ्लेग टू डिसअपियर इन द र फॉरेस्ट मैनी रेन फॉरेस्ट एनिमल्स क्या करते हैं कैनोफ्लेग का यूज़ करते हैं कैमो का ताकि वो रेन फॉरेस्ट में डिसपियर्स हो सके मतलब छुप सके इन वे में आप बोल सकते हो कैमोफ्लेग मीन्स मतलब थोड़ा सा अपने आप को कलर अपनी अपीयरेंस को इनको चेंज कर लेना सम एनीमल्स आर पॉइजनस एंड यूज ब्राइट कलर टूवर्ड प्रिडेटर्स टू लीव दैम अलोन क्या होते हैं कुछ प्रिडेटर्स uh, क्या करते हैं अपने जो कलर होते हैं उनको ब्राइट कर देते हैं ताकि कोई प्रिडेटर या शिकारी उनके ऊपर अटैक ना करे ठीक है या तो वो अपना कैमो मतलब जैसे होता है ना आपका बोलते गिरगिट रंग बदल देता है है ना तो वैसे ही अपने कलर चेंज करेंगे ताकि वो छुप सके या फिर बाकी चीज़ें भी ब्राइट कलर का हो जाएगा पॉइजनस एनिमल्स होंगे ताकि उनको अगर कोई छुए तो वो उनको खा के मर जाए तो फिर उनको शिकार नहीं करेंगे प्रीडेटर्स होता है शिकारी अडप्टेन ऑफ फॉर टेम्परेट फॉरेस्ट भाई टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें प्लांट्स क्या होते हैं ट्रीज लाइक पाम वाइट स्प्यूर्स एंड द एल्म हैव लीव्स दैट एब्जॉर्ब वाटर एंड सनलाइट वो क्या करते हैं वाटर और सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं दीज़ ट्रीज़ शेड देयर लीवस इन विंटर सर्दियों में ये अपनी क्या करते हैं लीव्स को शेड कर देते हैं बाई शेडिंग देयर लीवस दे कैन नॉट ट्रांसपी ट्रांसपायर सर्दियों में ये अपनी लीवस इनके पास होगी नहीं तो ये ट्रांसपायर भी नहीं कर पाएंगे मीन्स पानी का एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे दे आर एबल टू रिटेन वाटर फॉर द इंटर्स अब देखो अब अगर पानी लीव्स नहीं है तो पानी भी बाहर नहीं जाएगा पानी बाहर नहीं जाएगा तो उनको सर्दियों में पानी स्टोर करके क्या कर सकते हैं रिटेन कर सकते हैं एनिमल्स कौन से होते हैं जो एडेप्टन होती है टेम्परेट फॉरेस्ट के लिए एनिमल्स में बीवेस बियर बीवर्स फॉक्सिस डियर्स डैड स्नेक माइस मूल्स रेकूम्स और लार्ज बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक टेल्ड हॉक्स आर फाउंड इन दिस रीज़न ये सब इसमें पाए जाते हैं कहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट में दीज एनिमल्स हैव यूनिक अडेप्टशन सुटेड फॉर सीजनस लाइफ भाई ये अपने सीजन के हिसाब से अपनी अडेप्टेस को चेक कर सकते हैं मतलब चेंज कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रोडेंट्स अपना खाना स्टोर कर लेते हैं फैट को स्टोर कर लेते हैं ताकि सर्दियों में सर्दी कम लगे फिर उनको हाइबरनेट ड्यूरिंग कोल्ड विंटर्स और सर्दियों में जो ये क्या करते हैं रोडेंट्स वगैरह ये हाइबरनेट हो जाते हैं हाइबरनेट का मतलब क्या है बच्चे मतलब जाके सो जाएंगे ऐसा होता है ना भालू सर्दियों में सो जाते हैं क्यों सो जाते हैं भालू सर्दियों में ताकि वो सर्दी से बच सके सो so, इससे आगे हम करेंगे इन आर नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ आपको जो वर्ड नहीं समझ आता है आप मुझे मैसेज कर देना कि मैम ये वर्ड मुझे नहीं समझ आया एंड सेकेंड थिंग बच्चे आपको बहुत अच्छे से ये रीड भी करना है हैव अ गुड डे टू ऑल